प्रो कबड्डी 2021 के रिलेटेड कुल 10 बड़ी खबरें निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रो कबड्डी के लेटेस्ट न्यूज़ जो निकल के आई है। तो आज है 1 जनवरी और आज की भी बहुत सारे अपडेट्स निकल के आए, और आज की तरह मैं हमेशा ये एपिसोड कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो डेली इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं बर्थडे की, यानी कि आज के दिन कौन कौन से प्लेयर के बर्थडे है। तो गाइस आज के दिन 3 प्लेयर्स के बर्थडे है। तो गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहले बर्थडे प्लेयर की, तो वहां पे नाम आता है आशीष नागर का। दोस्तों आशीष नागर एक बहुत ही अच्छे कबड्डी प्लेयर है, जो ऑफिशियल यानी कि यूपी योद्धा की टीम की तरफ से खेलते आए हैं, और उसी के रिलेटेड यूपी योद्धा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर यह फोटो अपलोड कर लिखा है कि हैप्पी बर्थडे आशीष नागर, हैप्पी बर्थडे आशीष, आशा है कि आप आने वाले साल में संतुष्ट और सफल रहे। तो गाइस मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे टू आशीष नागर। गाइस बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, तो गाइस दूसरे प्लेयर में नाम आता है विशाल भारद्वाज का। दोस्तों विशाल भारद्वाज का भी आज बर्थडे है, तो विशे वेरी हैप्पी बर्थडे, और कमेंट सेक्शन में भी विशाल भारद्वाज के लिए एक विश कर दीजिएगा। तो गाइस बात करते हैं तीसरे प्लेयर की, तो गाइस यहां पे तीसरे प्लेयर में नाम निकल के आता है जयपुर पिंक पैंथर्स के प्लेयर सुनील सिद्धगवली का भी आज बर्थडे है, तो विशे वेरी हैप्पी बर्थडे, और उसी के रिलेटेड जयपुर पिंक पैंथर्स ने पोस्ट कर लिखा है कि विशिंग यू अ डे फिल विद हैप्पीनेस एंड ईयर फिल विद जॉय, हैप्पी बर्थडे सुनील सिद्धगवली। तो गाइस आज सुनील सिद्धगवली का भी बर्थडे, तो विशे वेरी हैप्पी बर्थडे, और कमेंट सेक्शन में इनको भी विश कर दीजिएगा। गाइस यहाँ पे बात करते हैं अगले अपडेट की, तो गाइस यहाँ पे अपडेट निकल के आता है पवन कुमार सहरावत के रिलेटेड। आप सभी को पता होगा कि पवन कुमार सहरावत अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो वहाँ पे अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं है पवन कुमार सहरावत अपने फ्रेंड के साथ बाहर घूमने गए हैं, और उसी के रिलेटेड इंस्टाग्राम रील पे एक वीडियो अपलोड किया, और यहाँ पे लिखा है कि फाइट फॉर योर गोल और फॉरगेट योर गोल, और यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रो कबड्डी के प्लेयर पवन कुमार सहरावत कबड्डी खेलते हुए अपने फ्रेंड के साथ, और उनकी स्किल अभी भी दिख रही है कि जैसी पहले थी वैसे आज भी है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की, तो अगला अपडेट निकल के आता है रोहित कुमार के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे रोहित कुमार ने एक फोटो अपलोड किया है, और यहाँ पे लिखा है कि विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटो में रोहित शर्मा किसके साथ है। तो गाइस बात करते हैं अगले अपडेट की, तो अगला अपडेट निकल के आता है न्यू ईयर के रिलेटेड, यानी कि न्यू ईयर के रिलेटेड कौन कौन से टीम ने रिएक्शन दिया है, प्रो कबड्डी में रिएक्शन दिया है नए साल के रिलेटेड, तो वो भी आपको बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले टीम की, दोस्त यहाँ पे सबसे पहले टीम में नाम निकल के आता है यू मुंबा के रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे यू मुंबा ने लिखा है कि वेलकम 2021 विद न्यू होप्स एंड एम्बिशंस, विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पीरियस न्यू ईयर, और यहाँ पे लिखा है कि 2021 हैप्पी न्यू ईयर। गाइस यहाँ पे गुजरात फॉर्चून नाइट्स ने भी रिएक्शन दिया, और यहाँ पे लिखा है कि यस टू द थिंग्स दैट वी दैट आर येट टू कम एंड एंड टू द मेमोरीज दैट वी होल्ड, यस टू अ ब्राइट न्यू ईयर एंड फ्रंट फेयरवेल टू द ऑल, विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस 2021। तो गाइस यहाँ पे बात करते हैं अगले टीम की, तो अगले टीम में नाम आता है पटना पायरेट्स का। तो यहाँ पे पटना पायरेट्स ने भी एक पोस्टर अपलोड कर यहाँ पे लिखा है कि पटना पायरेट्स की ओर से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशा करते हैं कि 2021 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। तो गाइस बात करते हैं अगले अपडेट की, तो गाइस यहां पे अगले टीम में नाम आता है जयपुर पिंक पैंथर्स का। तो गाइस जयपुर पिंक पैंथर्स ने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया, और यहां पे लिखा है कि आउट विद द ओल्ड इन विद अ न्यू, मे द न्यू ईयर ब्लेस यू विद हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स से भी अच्छा रिएक्शन दिया है। तो गाइस बात करते हैं प्रो कबड्डी की, यहाँ पे प्रो कबड्डी ने भी वीडियो अपलोड किया, और यहाँ पे लिखा है कि 2020 स्लेट प्रो कैन फाइनली रन आउट, यस टू द 2021 फिल विद होप हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो गाइस एक हैप्पीनेस प्रो कबड्डी दे सकती है, काश प्रो कबड्डी सच में 2021 में हो जाए तो हम सभी के लिए बल्ले बल्ले ही रहेगा। तो गाइस बात करते हैं अब वर्ल्ड कप के रिलेटेड, तो यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है कि वर्ल्ड कप भी अब 2021 में हो सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो अगर कोविड-19 की सिचुएशन अगर सही हो जाती है, तो गाइस यहाँ पे आशा है कि प्रो AKFI और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो वर्ल्ड कप भी स्टार्ट कर दे, और यहाँ पे सबसे पहले तो ऑक्शन की डेट निकल के आएगी, फिर यहाँ पे
अब देखते क्या क्या आगे होगा। तो यहाँ पे भी वर्ल्ड कप के रिलेटेड तो कोई अपडेट नहीं निकली है, लेकिन मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप भी इस साल हो सकता है, या फिर अगर इस साल नहीं होता है तो अगले साल के स्टार्टिंग में भी हो सकता है। तो गाइस ये रही आज की कबड्डी फटाफट की एपिसोड में, तो आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे एपिसोड आपको डेली मिलेगी तो आपको एक ही चीज़ करना है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 30K सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा करीब है। तो गाइस जल्दी जल्दी जो जो बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।